नमस्कार प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल राघवानी और मैं आ रही हूँ आप सबके बीच 21 मार्च को एक्वा वाटर पार्क में। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है सोलमेट एंटरटेनमेंट की तरफ से और इसके टाइटल स्पॉन्सर है डेलकॉम होम्स। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अभिषेक जी और सुलक्ष्मी रंजना जी का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है आप सब आएंगे और हम बहुत धूम मचाएंगे और होली मनाएंगे साथ में, तो जरूर आइएगा 21 मार्च को पटना एक्वा वाटर पार्क में। थैंक यू। It up like the summer. She tell me I'm with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, but you calling with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, but you calling. So thank you so much. So thank you so much everyone. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अतिथियों का सम्मान जरूर करते हैं। और आज यहाँ पे हमारी स्पेशल गेस्ट काजल राघवानी मैम मौजूद है, यहाँ पे आई है स्पेशली, उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। तो आज के हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है यानी डेलकॉम होम्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर यानी विकास जी, जो कि बहुत ही हैंडसम, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती है और अपने मेहनत के दम पे आज वो अपने कंपनी को यानी डेलकॉम होम्स को एक ब्रांड बना चुके हैं, यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूंगी कि मैं काजल राघवानी मैम को स्टेज पे इनवाइट करूँ और मैं विकास सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर प्लीज आप मैम को बुके के साथ सम्मानित करें। सो आई'd लाइक टू रिक्वेस्ट काजल राघवानी मैम से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम कैन यू प्लीज कम हमारे बीच में विकास सर आ चुके हैं, डेलकॉम होम्स के टाइटल स्पॉन्सर है और मैं चाहूंगी प्लीज उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज एवरीवन। इतना सा शोर मचाएंगे आप लोग थोड़ा और। प्लीज तालियां में बनती है गाइस, तालियां है तेरे अभियान की, तेरे तेरी हिलाई की तरह। सो थैंक यू। अरे 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 सारा माइक बंद कर दो।
लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें।